दोस्तों मैं जा रहा हूँ बांदरबान कॉक्स बाजार से, कॉक्स बाजार का एपिसोड ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। मैं कॉक्स बाजार से आज सुबह सुबह 9 बजे निकल चुका हूँ, अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ कॉक्स बाजार जो बस टर्मिनल है। देख सकते हो पीछे आजू बाजू पूरा बसेस खड़े हुए हैं और इस बस टर्मिनल से डायरेक्टली मुझको बस मिल सकता है टू गो बांदरबान। एक्चुअली कॉक्स बाजार से मैं इस टर्मिनल में ही आया था और मैं थोड़ा सा जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझको पता चला मैं बांदरबान जाने के लिए चट्टोग्राम मुझको फिर से नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली कुछ ना जिस दूसरा रास्ता है, कॉर्ड रास्ता है, कॉर्ड लाइन है, मैं पहुँच सकता हूँ बांदरबान डायरेक्टली। स्पेसिफिकली 2-3 बस सर्विसेज है, ज़्यादा बस सर्विसेज यहाँ से चट्टोग्राम तक ही जाता है। तो तरुण जी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं काउंटर में, वो पीछे है काउंटर में बातचीत करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इस बस कौन सा बस यहाँ से जाएगा बांदरबान। तो चलिए देखते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है। तो दोस्तों ऑलरेडी मेरे हाथ में ये टिकट बांदरबान जाने का टिकट है, टिकट का प्राइस पड़ा 170 पर हेड और मेरा और तरुण भाई का दोनों मिलाकर पड़ा 170 × 2। तो ये हम लोग का बस है दैट इज स्टैंडिंग ओवर देयर, पीछे देख सकते हो दिस इज़ द बस, ये हम लोग का पूर्वानी बस सर्विस है। तो इससे हम लोग पहुंच जाएंगे बांदरबान, कितना टाइम लगता है अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, 3-4 घंटे शायद लगता है। तो चलिए फुल भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, बस के अंदर का सीन है वो भी थोड़ा सा दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरा बस ऑलरेडी छोड़ दिया है और मैंने जब पूछताछ किया मुझे पता चला बस से कॉक्स बाजार टू बांदरबान पहुँचने का टाइम लगता है ऑलमोस्ट 3.5 घंटा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो सीट मिला है एकदम पीछे, देख सकते ये लास्ट और ये एक सीट छोड़ के ही पीछे का सीट है। एक्चुअली ये मेरी गलती है, हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे इन द बस स्टैंड, बस छोड़ने से 10 से 15 मिनट पहले। तो एक्चुअली यहाँ का जो बस टाइमिंग है एक्चुअली बैक टू बैक 1.5 घंटा 2 घंटे बाद आपको बस मिल जाता है कॉक्स बाजार से बांदरबान जाने के लिए। तो बस टाइमिंग के लिए ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नेक्स्ट बस भी था और 1.5 घंटा बस बाद में था तो मैंने सोचा यार 1.5 घंटा क्यों लेट कर, 1.5 घंटे में आधा रास्ता मैं पहुंच जा सकता हूँ बांदरबान। तो इस बस का ही ये पीछे वाला सीट मैंने ले लिया, बट पीछे का सीट का जो प्रॉब्लम है ज़्यादा चार्किंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा उछल कूद ज़्यादा होता है, पर ठीक है इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेवलिंग। आप सब ऑल टाइम आप फ्लेक्सिबल एसी बस से ट्रेवल नहीं कर सकते हो बिकॉज एक बांदरबान एक पहाड़ी एरिया है बंगाल का, बांग्लादेश का, तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ा बस चलाई नहीं करते हैं। तो लोकल जो छोटे टाइप ऑफ बस होता है, छोटा जो बस होता है उससे ही आप जा सकते हो बांदरबान। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मेरा जर्नी का ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है और बाहर एक ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा अभी से दिख रहा है, ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक पहाड़ी एरिया है, ऑलरेडी पहाड़ का जो एरिया जोन है उसमें ऑलरेडी मैं घुस चुका हूँ। आप बाहर देखो पूरा ग्रीनरी है, बड़े बड़े ज़्यादा बड़े नहीं है, एक मीडियम साइज़ का एक ऊँचे ऊँचे पहाड़ भी अभी खिड़की से दिखाई दे रहा है। यह है दोस्तों ग्रामीण बांग्लादेश, देख सकते हैं खूबसूरत सा एक जंगल के बीच में पहाड़ भी आ रहा है। मैं जा रहा हूँ बांदरबान और यहाँ का जो जर्नी है इतना स्मूथ है, पूरा ग्रामीण बांग्लादेश को एक्सप्लोर करते हुए पहुँच जाओगे खूबसूरत सा ये छोटा सा जगह जिसका नाम है बांदरबान। दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, एक्चुअली बांदरबान जस्ट लाइक घुसने का एकदम एंट्रेंस में एक सिक्योरिटी चेकिंग है, वो चेकिंग में एक बस में हम लोग जो बस में हम लोग आ रहे थे एक बस में एक पुलिस बांग्लादेश पुलिस एक चढ़ा, उसने पूछा कोई यहाँ पर फॉरेन विदेश से कोई टूरिस्ट है क्या यहाँ पर, मैंने बोला हाथ उठा कहाँ सर मैं इंडिया से आया हूँ, तो बोला पूरा बैग बैग लेकर पूरा अंदर बाहर आ जाओ आपके साथ कुछ बात है।
रास्ते में आया, बाहर आने के बाद उन लोगों ने बोला नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर बांदर, यहाँ बांग्लादेश का तीन बेसिकली ज़िला है जिसका नाम है एक बांदरबान, एक है रंगामाटी और एक है खागड़ाछड़ी। तीन पहाड़ी एरिया में आप नहीं जा सकते हो विदाउट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट परमिशन। तो एज यूजुअल मेरे पास तो परमिशन नहीं था क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, तो मुझको उतार लिया गया है, बोला आपको वापस जाना पड़ेगा, यू कैन गो अहेड। तो मेरा बस भी यहाँ से चला गया है, वो पीछे एक जो ऑफिस है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ कुछ चाय पी रहा हूँ। और तरुण भाई थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं परमिशन के लिए, एक दो तीन जगह में उसने कॉल भी किया है। तो गॉड, सुबह 7 बजे उठकर रेडी होकर निकलने के बाद इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद 4 घंटे ऐसे एक बहुत ही बेसिक सा बस से जर्नी करने के बाद इतना टायर्ड हो जाने के बाद जस्ट बांदरबान जो शहर है उसे 10 किलोमीटर पहले से रोक कर उतरने के बाद बोला आपको वापस जाना पड़ेगा चट्टोग्राम। तो सोचिए व्हाट इज़ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ माइंड। जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास, ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली मैं बहुत जन से पूछा पर नो वन टोल्ड मी दैट मुझे परमिशन चाहिए। एक्चुअली इंडिया में भी ऐसा होता है, बिकॉज एक बांग्लादेश का मेरा एक दोस्त नाथुला जाने के लिए निकला था गैंगटॉक, उसका भी सेम प्रॉब्लम, बीच में उसको रोक कर इंडियन आर्मी ने उसको बोला आप नहीं जा सकते हो। शायद ऐसा ही कुछ सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी इशू है, बट पुलिस और जो आर्मी का जो BDR का जो बिहेवियर बहुत ही बढ़िया है, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। वो लोग बहुत ही हेल्प किया, वो समझाया जी देखो ये हम लोग का कुछ नहीं है, ये आपको परमिशन होगा तो हम लोग जाने देंगे, नहीं परमिशन तो कैसे जाने देंगे, परमिशन करने के लिए एक दिन रहना पड़ेगा, तो ऐसे ही फिर से चट्टोग्राम कॉक्सबाजार जाके परमिशन लेकर का कोई मतलब ही नहीं है। और मेरा माइंड, मेरा शरीर दोनों परमिट नहीं कर रहा है, बट देखते हैं। तरुण जी बात करने के गए हैं, 2-4 जगह पर फ़ोन भी किया है, तो देखते हैं लेट्स सी आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं वापस आ चुका हूँ चट्टोग्राम में, क्योंकि बांदरबान तो नहीं जा पाया, तो क्या करें, तो फिर से बैक टू चट्टोग्राम। बुरा भी लग रहा है एक्चुअली, इतना दूर जाने के बाद अगर आप डेस्टिनेशन में पहुँच नहीं सकते हो इट्स लिटिल बिट हर्टिंग, बट आप कुछ चीज़ है अब उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऑलरेडी देख सकते हो तरुण भाई और मैं, हम लोग आ चुके हैं चट्टोग्राम में। चट्टोग्राम में आज रुकने का प्लान है नहीं है पता नहीं, एक्चुअली माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग, बिकॉज एक प्लान था अगले 2-3 दिन 4 दिन का, वो प्लान का तो पूरा यू नो जस्ट लाइक बंद हो चुका है। अगर आप बांदरबान, रंगामाटी ये सब जगह पे आना चाहते हो, अगर आप फॉरेनर हो, मीन्स बांग्लादेश में फॉरेनर हो, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम DC ऑफिस। जो गलती मैंने किया है, एक मिनट रुक जाइए, तो जो गलती मैंने किया है आप लोग ये मत कीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं भी रिसर्च किया था बट ये कैसे छूट गया पता नहीं, बहुत सारे लोकल से बात किया, इवन तरुण जी भी लोकल है, इसको भी नहीं पता था ऐसे बॉर्डर एरिया में बाहर जो टूरिस्ट है उन लोगों को परमिशन नहीं होता है, स्पेशल परमिशन करवाना पड़ता है, उसके लिए 1-2 दिन और भी लग जाता क्या हो जाता। बट वहाँ पर रुकते कहाँ, मिडल ऑफ द वे में कहाँ पर रुकने का कुछ जगह नहीं था, तो इसलिए हम लोग फिर से वापस आ गए, फिर से चट्टोग्राम सिटी जहाँ से हम लोग का जर्नी शुरू हुआ था फॉर द कॉक्स बाजार एंड द बांदरबान। तो दोस्तों एक इनकम्प्लीट व्लॉग है, एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन है, होप्स इस इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा अगर आप बांग्लादेश टूर प्लान कर रहे हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बहुत ही अपसेट हूँ कैसे बोलो, सब्सक्राइब कर दीजिए, बुरा बहुत लग रहा है, तो फीलिंग्स अपसेट। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।